हेलो एवरीवन, इसके पहले हम लोग सॉलिड स्टेट का दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉलिड के टाइप्स क्रिस्टलाइन एमॉर्फस पढ़े थे और सॉलिड में यूनिट्स एंड लैटिस पॉइंट क्या होता है और उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सिंपल क्यूब और सेवन सिस्टम पढ़े थे, ब्रेविस लैटिस पढ़े थे। ठीक, अब हम उसके आगे, तो हम बोले थे, हम इसके पहले वाले वीडियो में बोले थे कि क्यूबिक सिस्टम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैलकुलेशन हम आपको कराएंगे। ठीक, तो अब यही टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बीएचयू के बीएससी ए और एजी, साथ ही साथ नीट में भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग बहुत इजी तरीके से करेंगे। ठीक, इसके पहले एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कैसा हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग पढ़े थे कि सिंपल क्यूब ऐसा था, सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर अगर याद कीजिए तो हम लोग पढ़े थे कि सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, ये था सिंपल क्यूब। ठीक, ये क्या है, सिंपल है कि नहीं। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे एफसीसी, तो एफसीसी की बात किए थे, तो एफसीसी ही सिंपल क्यूब की ही तरह था बट हर फेस पे एक एटम था। कितना कुल फेस होता है क्यूब में, 6, तो 1 इस फेस का एटम, 2 इस वाले फेस का, 3 ऊपर के फेस का, 4 नीचे के फेस का, 5 पीछे के फेस का, 6 आगे के फेस का। कुल कितने एटम होते हैं, 6 एटम। हर कॉर्नर पे एटम है, आपको याद रखना होगा कि हर कॉर्नर पे एटम होता है। ठीक, हर कॉर्नर पे एटम है। अब ये क्या है, ये है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसी का दूसरा नाम भी होता है, सीसीपी भी कहते हैं इसी को, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब अगला देखिए, अगला ये था, हर पॉइंट पे एटम है कॉर्नर पर और एक बॉडी में बीचों बीच एटम था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीसीसी बोले थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक और था, अगर आपको याद हो तो इसमें दो फेस पे एटम था, वो भी आमने सामने, इसको इंड सेंटर्ड बोले थे, ईसीसी। ठीक, ये आपके पूरे बुक में, पूरे चैप्टर में डिटेल इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है और हमेशा क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे आएंगे, तो हम लोग बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये देखेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हम कहते हैं कि ए बी है ना, क्या ए बी, ए बी मान, कैसे समझो कि ए बी आपस में मिलकर के क्रिस्टल बना रहे हैं, क्या है, ए बी एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी फॉर्म और क्रिस्टल। ठीक, विच एफ सी सी, जो कि एफ सी सी है, समझ में आ रहा है, ए बी फॉर्म अ क्रिस्टल विच एफ सी सी इफ ए एटम प्रेजेंट फेस ऑफ द क्यूब, एंड बी एटम प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। Then what is formula of crystal? ये question इस तरीके से दिया जाता है, कैसे, A B form a crystal which FCC if A atom present face of the cube एंड बी एटम प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन वॉट इज कम्पोजिशन। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो ये आपको आना चाहिए, फॉर्मूला होता है एन सी बाई एट
एन ई बाई फोर, एन एफ बाई टू, एन बी बाई वन, ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए और बहुत इजी है, आप चाहो तो आसानी से याद कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ सी क्या है, सी होता है कॉर्नर, क्या होता है कॉर्नर, ई होता है एज, हम पहले ही बताए थे पिछले लेक्चर में, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, एज, एफ होता है फेस और बी होता है बॉडी, इस तरीके से इतनी चीजें आनी चाहिए। सी क्या है, कॉर्नर, ई एज, एफ फेस और बी बॉडी, ये होता है फॉर्मूला क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। ठीक, कॉर्नर देखो किसको कहते हैं, ये कॉर्नर है। ठीक, एज किसको कहते हैं, देखो एज इसको कहते हैं, देख लो एक सिंपल क्यूब में, देखो सिंपल क्यूब में काउंट करो, फेस कितना होता है, वन टू थ्री फोर, पीछे का एक फाइव, आगे का सिक्स, फेस कितना है सिंपल क्यूब में, सिक्स, कॉर्नर गिनो, वन टू थ्री फोर, ठीक, नीचे का फाइव सिक्स सेवन एट, कॉर्नर कितना होता है, एट होता है, और एज देखो गिनो काउंट करो, वन टू थ्री फोर हो गया, नीचे देखो फाइव सिक्स सेवन, ठीक, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एज कितना होता है ट्वेल्व, ये आना चाहिए कि एक सिंपल क्यूब में फेस सिक्स होता है, कॉर्नर एट होता है, एज ट्वेल्व होता है, इतना आपको आएगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये याद रहे, ये कॉर्नर है, एज है, फेस है, बॉडी। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या कह रहा है, ए बी फॉर्म क्रिस्टल, कह रहा है ए एटम कहाँ है, ए एटम फेस पे, तो देखो अब किसके लिए बात कर रहा है, एफ सी सी, तो जैसे ही जिसके लिए बात करे आपके माइंड में तुरंत उसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि एफ सी सी, तो ये है एफ सी सी का स्ट्रक्चर, अब इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या कह रहा है एफ सी सी, अब कहाँ कह रहा है, ए एटम जो है फेस पे, तो एफ सी सी में देखो फेस पे कितना एटम होता है, अभी तुम पढ़े छह एटम होता है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वल टू, ए स्क्वल टू फेस पे कितना आइटम है, सिक्स, और नीचे देखो फेस के अपॉन में कितना होता है टू, तो अपॉन टू कितना आ गया थ्री, इसको ले रहे हो गया, अब देखो क्या कह रहे हैं, अब बी कहाँ है, बी है कॉर्नर पर, बी है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पे कितना आइटम होता है आपको पता ही है कि सिंपल हो चाहे कोई, हर के कॉर्नर पे कितना आइटम होता है, एट आइटम होता है, तो एट अपॉन में देखो कॉर्नर पे अपॉन में एट, तो एट बाई एट, तो कितना आ गया वन आ गया, अब देखो तो कैसे इसको लिखोगे, इसका आंसर कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, देखो ऐसे, अब देखो कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे, ए कितना है थ्री है, बी कितना है वन है, तो लिखो या ना लिखो तो ये है आंसर, और एग्जाम में ऐसे ही आता है ना इजी, बस ए थ्री बी टाइप, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसी तरीके से हम अभी ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देख सब माइंड में स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए बी सी तीनों आपस में मिलकर के क्रिस्टल बना रहे हैं ना, क्रिस्टल जो कि क्या है बी सी सी है, किसकी बात कर रहा है बी सी सी है, कह रहा है इफ ए एटम, ए कहाँ है फेस पे है, सॉरी ए कहाँ है कॉर्नर पर है, बी कहाँ है बॉडी में है, सी कहाँ है एज पे है, तो फिर क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो कितना इजी है, कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहे हैं ए बी सी, हम दोनों पहले बता रहे हैं ए बी सी क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना, ए बी सी क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम प्रेजेंट फॉर कॉर्नर ऑफ द क्यूब, बी एटम प्रेजेंट बॉडी ऑफ द क्यूब एंड सी एटम प्रेजेंट एज ऑफ द क्यूब, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी सी, ये ऐसे पूछेगा, या फिर हिंदी में अगर बोले तो ए बी सी
आपस में मिल करके एक क्रिस्टल बना रहे हैं जो कि बीसीसी है। अगर ए कॉर्नर पे है, बी बॉडी में है, सी एज पे है, तो क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा? देखो कैसे करते हैं, किसकी बात किया, बीसीसी, तुरंत दिमाग में आपके बीसीसी का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। अब फॉर्मूला देखो, पहले क्या कह रहे हैं, ए कहाँ है, कॉर्नर पे, तो बताओ कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, तो 8 ही है। और याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला यही था, एन सी बाई 8, एन ई बाई 4, एन एफ बाई 2, एन बी बाई 1, तो कितना है 8/8, ये 1 हो गया। बी कहाँ पर है, बॉडी में, बॉडी में कितना एटम होता है, 1, तो बॉडी में 1 एटम है और बॉडी के अपॉन में कितना है, 1, तो 1/1 हो गया, यानी 1 आ गया। अब सी कहाँ है, सी है एज पे, बताओ एज पे कितना एटम है, एज पे टोटल 12 एटम होता है, अभी हम पीछे बता रहे हैं, इसमें भी 12 होता है, इसमें भी 12 होता है, इसमें भी 12 होता है, हर में एज पे कितना एटम होता है, 12, तो क्या हो जाएगा, 12/4, कितना आ गया, 3। अब कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, ए वन है तो नहीं लिखते, वन को नहीं लिखते, देखो बी को वन है तो वो भी नहीं लिखते, और सी कितना है, 3, आंसर होगा ए बी सी 3 टाइप। ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से करते हैं, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हाई और लेवल हाई लेते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसे है कि ए बी सी क्रिस्टलाइज होकर के एक क्यूब बना रहे हैं जो कि एफसीसी है, क्या है, एफसीसी है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस पे है, सी एज पे है, ठीक, कह रहा है इफ टू एटम मिसिंग ऑन द फेस देन व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑफ क्रिस्टल, ये क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आपस में मिल करके एफसीसी क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम फेस पे है, सी एटम एज पे है, यदि दो एटम मिस हो गया, कहां से मिस हो गया, ऑन द फेस, फेस से, कहां से, फेस से, दो एटम फेस से मिसिंग हो गया, देन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो कैसे करते हैं, फिर से फॉर्मूला याद रखना। अब देखो ए एटम कहाँ है, पहले एफसीसी, तो एफसीसी का स्ट्रक्चर माइंड में लाइक कर दो तुरंत। अब देखो ए कहाँ है भाई, ए है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना एटम होता है, क्लियर है, 8/8 फॉर्मूले से, 1। बी कहाँ है, बी फेस पे है, फेस में कितना एटम होता है, 6, पर देखो फेस पे ही दो एटम मिस कर गया, बताओ दो एटम मिस कर गया फेस से, तो 6 से अब कितना बचा, 4, अपॉन में कितना होता है, फॉर्मूले में 2, यही देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे मिसिंग का केस आए कि कहे कि एटम यहाँ से मिस कर गया, तो जितना मिस कर गया वहीं से आप उतना माइनस कर देंगे बस, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब सी एज पे है, तो एज पे कितना एटम होता है, 12, अपॉन में फॉर्मूले में कितना होता है, 4, ये भी कितना आएगा, 3, और ये कितना आएगा, 2, तो फॉर आंसर क्या होगा, ए बी टू सी 3, तो यानी कंपोजिशन आंसर क्या होगा, ए बी टू सी 3 टाइप, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर मिसिंग का केस हो आप वहां पर कर लेते हैं। एक और लेवल देख लीजिए कैसे किया जाता है, एक्स वाई जेड आपस में मिलकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड आपस में मिलकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि ईसीसी है, क्या है, ईसीसी, ठीक। तो यदि एक्स एज पे है, वाई फेस पे है, जेड कॉर्नर पर है, और इफ फोर एटम, इफ सिक्स एटम मिसिंग ऑन एज,
वॉट इज फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल? ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ईसीसी, माइंड में ईसीसी का फिगर लाइए, तो ईसीसी ये सिंपल है। अब देखो ये किस में बदल गया, ईसीसी में ऐसे। ठीक, अब देखो कैसे करोगे। एक्स कहाँ है, एज पे है। एज पे कितना एटम होता है, 12, आपको पीछे बताया थे। एज पे 12, और कितना मिस कर गया, 6, तो कितना बचा, 6 बाई फॉर्मूले में 4 आप जानते हैं, ये हो गया। देखो अभी फ्रैक्शन में आ गया, यही समझाना था। अब कैसे होगा, छोड़े रहोगे इसको, कहाँ गया एक्स, ये वाई है। अब देखो वाई कहाँ है, फेस। फेस पे कितना आइटम है भाई, ईसीसी में 2, तो 2/2 आ गया 1। अब देखो तीसरा जेड, जेड कहाँ है भाई, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितना आइटम होता है, 8/8, 1। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स 6/4, वाई 1/1, जेड। ठीक, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सब में। अब देखो 4 है तो 4 से इंटू करा देते हैं, कितने से इंटू करा देते हैं, 4 से। तो क्या हो जाएगा x, है ना, कैसे होगा देखो, 6/4 इंटू 4, y 4, जेड 4। अब देखो ये 4/4 होने के लिए ये 4/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, x पे क्या हो जाएगा, 6, y क्या हो जाएगा, 4, जेड क्या हो जाएगा, 4। ये हो, समझ पाए, देखो कैसे, कितना इजी है क्वेश्चन। जब कभी फ्रैक्शन का केस मिले तो नीचे जितना होता है उतना से सभी में इंटू करा देते हैं, जब उतना से सभी में इंटू करा दोगे तो ये फ्रैक्शन वाला कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब ये रहेगा। ध्यान रहे कि इंटू केवल एक में नहीं कराते हैं बल्कि सब में कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी, क्या पढ़ना है, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, ठीक, हम लोगों का टॉपिक क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन प्रभाज हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक, अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन समझना होगा, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का मेन मतलब यही होता है कि किसी भी क्रिस्टल में एटम कितने एरिया को, कितने प्लेस को, जगह को कवर कर रहा है, है ना। क्या किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी एटम कितने एरिया को कवर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे माइंड में ये आएगा कि अरे भाई सभी में एटम तो एक जैसे हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू तो एक हो गई, तो फिर क्यों ये डिफरेंस है, क्यों, मतलब ये बताना क्या चाह रहे हैं। पर ऐसा नहीं, आप खुद जानते हो कि जो क्रिस्टल होता है, जो यूनिट सेल होता है, क्या यूनिट सेल जो होता है, आप अच्छे से जानते हो वो 4 तरीके का है। कौन कौन सा था, सिंपल था, क्या था, सिंपल था, FCC था, BCC था और ECC था। तो ECC की हम बात नहीं करेंगे कि अब इसको नहीं पढ़ना होता। तो इन सब में एटम अलग अलग प्लेस पे थे। इस सिंपल क्यूब में केवल सिंपल था, उसमें कहीं स्पेशल एटम नहीं थे। इसमें क्या था, आप पढ़े अभी, इसमें हर फेस पे एटम होता था, 6 फेस पे। इसको भी पढ़े, इसके बॉडी के बीचों बीच, इसके बॉडी के बीचों बीच एटम है, इसके हर फेस पे एटम था। आप अच्छे से पढ़े, पढ़े थे कि नहीं, हर फेस पे एटम है और यहाँ बॉडी के बीचों बीच है, तो इस तरीके से। और इसको आप पढ़े थे, इसको देखे थे, इसमें 2 फेस पे एटम था, वो भी आमने सामने। तो जब एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है तो उसका कितना एरिया कवर कर रहा है वो वैल्यू भी तो अलग होगी, पैकिंग फ्रैक्शन भी तो अलग होगा। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन प्रभाज क्या होता है, कि किसी भी क्रिस्टल, क्या, किसी भी क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का वह एरिया या फिर वह पार्ट, है ना, किसी भी क्रिस्टल का वह एरिया या वह पार्ट जो उसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा कवर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। समझे क्या, जैसे अब ये देखो, ये एक मान लो कि एक, ये अगर मान लो स्क्वायर है, तो देखो अगर हम कहते हैं, देखो ये
इतना दूर कोई चीज है, कोई कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, तो अगर हम पूछे इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, तो ये वैल्यू जितना दूर कवर करते हैं ना उसे ही पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और ये क्या होगा, ये वैकेंट होगा, वैकेंट स्पेस होगा, ये आगे बताएंगे हम। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी, ये क्रिस्टल नहीं है, पर किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी यूनिट सेल का वह पार्ट जो उसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा कवर किया जाता है, घेरा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। क्योंकि अलग अलग तरीके के यूनिट सेल में एटम का प्लेस अलग अलग होता है, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होती है। और यही आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बीएचयू की आता है। देखो ये ऐसा चैप्टर है जहां से गारंटेड है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बीसीसी के लिए क्रिस्टल की पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंट कितना है, एफसीसी के लिए परसेंट कितना होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी बकायदा उसको सॉल्व कर करके दिखाया है, पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट उस वैल्यू की जरूरत है। वो वैल्यू आपको चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे, चाहे सीबीएसई का दे, चाहे यूपी का दे, चाहे बीएचयू का या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे, कभी भी सोल्यूशन का पैटर्न नहीं पूछा जाता, बल्कि वो परसेंटेज पूछा जाता है कि 68% है कि 74% है, ये परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। ये परसेंट इसी का, ये जो एटम एरिया कवर कर रहा है ना उसी को परसेंटेज के तौर पे निकाल दिया जाता है, तो उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम एक चार्ट बना रहे हैं, उसी चार्ट से हम समझ लेंगे और उसको वहीं पर लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक। और एक वैल्यू आप और क्लियर करते रखिएगा जब आगे भी आप लोगों को काम आएगा। क्या क्लियर हुआ ना पैकिंग फ्रैक्शन, कि किसी भी क्रिस्टल का, क्यूब का वह एरिया जो एटम के द्वारा कवर करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ये वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि क्योंकि क्रिस्टल में एटम अलग अलग प्लेस के, ठीक। अब जैसे देखो ये अगर एक क्यूब है, ये आप पहले ही समझ लीजिए कि क्योंकि आगे भी आपको समझना है। देखिए अगर ये कोई क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, ठीक, तो ये तो सिंपल है। अगर इसी के हर फेस पे एटम रख दे तो एफसीसी है, बॉडी के बीचों बीच रख दे तो बीसीसी है, दो फेस पे रखे तो ईसीसी है। अब सिंपल क्यूब के देखो, इसके लेंथ को, इस पूरे लेंथ को हम ए बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये क्या होता है, ये होता है कॉर्नर लेंथ, आप याद रखिएगा। क्या है, कॉर्नर लेंथ। और इसके हाफ पार्ट को हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं ए लिखा गया, जैसे ये लेंथ ए है, तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा, तो ये कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि क्यूब का आल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये कितना होगा, ये भी ए ही होगा, ठीक। और किसी का इसका हाफ पार्ट ये कितना होगा, आर होगा, ये कितना होगा, आर होगा। तो याद रखिएगा कि ए जो होता है वो कॉर्नर लेंथ दिखाता है, हिंदी में कहते हैं किनारों की लंबाई, और आर जो होता है वो रेडियस होता है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो ए और आर में हम रिलेशन भी दिखाएंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से तगड़े भी कहो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल न्यूमेरिकल आता है ए और आर में रिलेशन के बेसिस पे, कि ए क्या है और आर क्या है, क्या रिलेशन है। तो देखो चूंकि क्यूब का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो एटम की पोजीशन अलग अलग है, तो हर क्यूब में ए और आर का रिलेशन क्या होगा, वैरी करेगा। लेकिन एक टाइप के क्यूब में, देखो हमारी बात ध्यान समझिए, कि अगर ये सिंपल है तो इसमें ए और आर का रिलेशन जो होगा वो होगा, लेकिन ये नहीं कि इसमें हर साइड के लिए बदलेगा, नहीं, क्योंकि इसकी हर साइड क्या है, इक्वल है, तो ए और आर का रेशियो अलग। अब एफसीसी का एटम के पोजीशन की वजह से डिफरेंस आएगा, तो ये नहीं कि एफसीसी का डिफरेंस आएगा तो इसके लिए हर एक फेज के लिए वैल्यू वही होगा, लेकिन उसका सिंपल से कंपेरिजन करें तो बदल जाएगा। और इसी तरह बीसीसी का अपना खुद का एक ए और आर का रिलेशन आएगा, ईसीसी का भी आता था, पर ईसीसी का हमको नहीं पढ़ना है, ये आगे हायर लेवल पे है। तो बीसीसी हो, एफसीसी हो, सिंपल हो, तीनों का ए और आर से रिलेशन होता है, कॉर्नर लेंथ और रेडियस से रिलेशन होता है, उस पर क्वेश्चन आता है, और उसको भी हम टेबल में आपको बता देते हैं कि वो रिलेशन की वैल्यू क्या होता है, ठीक। तो आइए हम लोग टेबल के थ्रू उस वैल्यू को देखते हैं, जानते हैं, ठीक। देखिए ये है रिलेशन, देखिए ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किस तरीके का है, सिंपल बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी नहीं लेते। अब वैल्यू ऑफ यूनिट सेल ये हम पहले कैलकुलेट करना आपको सिखाए थे, अगर ना सुनिए तो इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से पढ़िए।
तो सिंपल क्यूब का 1 था, बीसीसी का 2 था, एफसीसी का 4। ठीक, अब यही है पैकिंग फ्रैक्शन, कितना एरिया कवर करता है। तो सिंपल क्यूब में जितने एटम कॉर्नर पे हैं या जहां जहां भी एटम है वो कितने एरिया को कवर करते हैं, 52.4%। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सिंपल क्यूब में पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, और इसको कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं, इसलिए हम उसको आप लोगों को नहीं बताए हैं। ठीक, अब दूसरा है बीसीसी, तो बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68। और तीसरा एफसीसी, एफसीसी में 74। देखो एफसीसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एफसीसी की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि एफसीसी पे एटम क्या था, सबसे ज्यादा था, उसमें कॉर्नर पे था और हर फेस पे एटम था, इसलिए वो सबसे ज्यादा एरिया को कवर किया है, इसलिए उसकी वैल्यू 74% है। बीसीसी में सिंपल से ज्यादा था पर एफसीसी से कम एटम था, इसलिए 68। तो ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि एफसीसी पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी परसेंटेज होती है, तो आप 74% होता है। ठीक, इस तरीके से अब सिंपल क्यूब के स्ट्रक्चर देखें तो ए और आर में रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए बाई टू। और इसी तरह बीसीसी का देखें तो बीसीसी में आर इक्वल टू क्या होता है, रूट थ्री ए बाई फोर। और उसी तरह एफसीसी का देखें तो होता है आर इक्वल टू ए बाई रूट थ्री। तो इन सब रिलेशन को अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं बनता है, आपको तो सीधे क्वेश्चन लगाने सीखना है। तो R इज इक्वल टू कि आपको ये नहीं याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करके वैल्यू रखने में दिक्कत होगा, इसलिए सॉल्व वैल्यू याद रखिए। तो हम सॉल्व कर दिए तो R इज इक्वल टू 0.5 ए याद रखिए, R इज इक्वल टू 0.433 ए याद रखिए, R इज इक्वल टू 0.3535 ए याद रखिए। किसमें, इसमें सीधे ऐसे कि एफसीसी के केस में, अगर एफसीसी के केस में ऐसे याद रखना है क्या कि एफसीसी के केस में 2, 3, 4 हो गया, आगे का एक 5 हो गया, पीछे का एक 6, कि एफसीसी के केस में और कॉर्नर पे एटम है, याद रखिए। ठीक, कि एफसीसी के केस में कि इस लेंथ को क्या कहते हैं, ए कॉर्नर लेंथ, और उसके रेडियस में यानी हाफ रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो R इक्वल टू होता है 0.3535 A। अब देखो यहाँ से आपको रेडियस भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर कॉर्नर लेंथ भी पूछा जा सकता है, किसके लिए, तीनों के लिए। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में डायरेक्ट देता है कि अभी हम क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको पर ये रिलेशन क्लियर याद रखना होगा कि सिंपल का कितना होता है R इक्वल टू 0.5 A, BCC का कितना होता है R इक्वल टू 0.433 A, और FCC का कितना होता है R इक्वल टू 0.3535 A। ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि ये आगे जब क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ना, आगे बहुत यूजफुल है, तो हमें वहाँ हमेशा क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप इस वैल्यू को क्या करिए, भूलिएगा नहीं। अब आइए हम A और R के रिलेशन के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ए और आर पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अ क्रिस्टल फॉर्म स्ट्रक्चर एफसीसी इफ लेंथ ऑफ कॉर्नर 400 pm, then find out the radius of the cube. बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या कह रहा है कि यदि ए एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, मान लीजिए ए हटाइए, NaCl ले लीजिए, ज्यादा इजी है। NaCl क्रिस्टल जो है वो FCC के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, और जिसके कॉर्नर लेंथ कितना है, 400 pm है, तो उसका रेडियस का लेंथ कितना होगा, तो क्या है FCC, तो FCC में देखिए क्या रिलेशन है, तो FCC में पता चल गया R इज इक्वल टू 0.3535 A। ठीक, ये है, क्या हम दिए हैं, कॉर्नर लेंथ दिए हैं, हम A दिए हैं,
क्या पूछ रहे हैं, आर पूछ रहे हैं, तो अब क्या होगा, आर अब ए की वैल्यू दी है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 3535 × 400 कर दीजिए, है कि नहीं, तो फिर वही क्या होगा आंसर, है ना, इजी, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर यही ये रहता कि एफ सी सी का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये कह दिया जाता कि अगर आपको कॉर्नर ये न दे करके दे देता, इफ रेडियस रेडियस दे देता 400 PM, और कहता कि फाइंड आउट कॉर्नर लेंथ मान लो किस केस में कहता, बीसीसी कहता और यहाँ सीजियम क्लोराइड ले लेता, तो कैसे कर दे, कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड बीसीसी बना रहा है अगर उसका रेडियस 400 PM है, पीएम यानी पिकोमीटर, ये पैरामीटर हम नेक्स्ट वीडियो में जब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कन्वर्ट करना सिखाएंगे, तो 400 PM है तो क्या कह रहे हैं आप, फाइंड आउट कीजिए क्या उसका कॉर्नर लेंथ, तो किस केस में पूछ रहा है बताइए, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बीसीसी, बीसीसी देखिए कहाँ है, ये है बीसीसी, ये देखिए क्या है, आर इक्वल टू 0.433 ए है, क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है क्या दिया है, आर कितना दिया है भाई 400, तो क्या हो जाएगा अपॉन में 0.433 इक्वल टू ए, जो आएगा वो आंसर होगा, किस में है, पिकोमीटर में दिया है तो पिकोमीटर में, सीएनटी सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे वाले रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे मिलते हैं, इसके आगे का लेक्चर लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।